सो हेलो, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज है मेरी छुट्टी, सो उस हिसाब से हम जा रहे हैं सनसेट देखने। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कितना बोरिंग सा, कितना बकवास था मेरा आज छुट्टी जा रहा था। तो मैं चल रही हूँ कुछ चटपटा खाने और कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेने। यहाँ अम्बे वाली स्टेशन और आज का बादल, मैं ऐसे किचन में बर्तन धो रही थी और मुझे ये बादल दिखाई दिए और इतना अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने मेरे टकले भाई को बोला कि हमारी डुंग डुंग गाड़ी निकाली जाए और हमारे हमें घुमाने ले जाया जाए। सो इसको थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ी, ज्यादा नहीं, बट इस बेचारे को भी अभी पता नहीं है कि इसको रिश्वत में मिलने क्या वाला है। तो हम इसको थोड़ा सा चटर पटर पानी पूरी खिला के हम इसको बुलवा देंगे। और व्यू देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोची शाम में कहीं निकल लेते हैं। और हम जा रहे मेन जगह जहाँ से व्यू कतई जहर आने वाला है। जब हम लोग मेन आम्बेवली गांव में रहते थे ना बाबू, मैं तुझे एक स्टोरी बताती हूँ। जब बाबा बताते थे, ये जो टर्न है अभी जहाँ से ये बाइक ऐसे टर्न होगी ना, ये पूरा एरिया ना भूतों वाला है। इसके अंदर ना, अब तो लोग रहते तो इतने भूतों का पता नहीं चलता, बट बाबा को यहाँ से चुड़ैल दिखी थी। ये खुला हुआ था पहले, यहाँ से ना एक चुड़ैल आई थी और बाबा से, हाँ पहले खुला हुआ था, तो बाबा से ना तम्बाकू मांग रही थी। और पहले यहाँ पे बहुत मोटी पाइपलाइन थी, उसके ऊपर चल चल के हम लोग मस्ती करते हुए घर जाते थे जब स्कूल से छूटते थे तो। और यहाँ पे इतने सारे जंगल जलेबी और इमली के पेड़ थे ना, हम लोग वो सब तोड़ के खाते हुए जाते थे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो भी बहुत सारे जंगली पेड़ है, बट यहाँ पे मेन सबसे पहले वो जंगल जलेबी आती है गोल गोल जो भी बिकती है, वो हम लोग ऐसे पेड़ों से तोड़ तोड़ के खाया करते थे। और सामने एक और हॉरर पेड़ है बाबू, ध्यान देना, ये जो बरगद का पेड़ है ये एक्चुअली में भूतिया पेड़ है, इसलिए आगे हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। और ये सारी स्टोरी रियल है, मेरे दादाजी ने मुझे खुद बताई। दादाजी ने अपने लाइफ में, अभी तो यहाँ पे लोग रहने लगे, अदरवाइज उनके जमाने में ये पूरा एरिया अभी पूरा खंडहर है, बट पहले और ज्यादा खंडहर था। और वो रात में ड्यूटी से आते थे कल्याण से, तो जो जो एक्सपीरियंस होते थे वो हमें कहानी के तौर में बताते थे, बट बाद में बोलते थे कि ये सब सच है और रात में हमारे सर पे हाथ रख के हनुमान चालीसा पढ़ के सुला देते थे। फायदा भी जो लोग बोलते हैं ना कि टिटवाला में रहते हो, टिटवाला तो गांव है, एक्चुअली लिटरली गांव है। और सुकून है इस गांव में, यहां पे जो मतलब फ्रेश हवा, जो ताजगी और जो रिफ्रेशमेंट है सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो व्यू है, वो आपको मुंबई की धूप मिट्टी और सबके परमिशन के लिए इतनी हरी भरी हरियाली देखने मिलने वाली है। लोगों को सुबह का एक किस्सा बताती हूँ। मेरा भाई की खाने घर में, मेरी छोटी वाली टीवी में गाना लगाई थी और मम्मी को बता रही थी इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल भोजपुरी तो इसे कतई समझ में नहीं आता, बट इसका फेवरेट गाना सुनना है, गाड़ी स्लो कर में गाना गा के बताऊंगी। इसका फेवरेट गाना है गुलाब जैसन किलने पाड़ो हीरोइन है हीरोइन। मम्मी बोली ये सब गाने सुनता है बाबू, तू रे पक्का बिगाड़ा रहेगा उसको, मेरे बेटे को। व्यू देखो बहुत अच्छा व्यू। और शाम के 5:30 बजे है, तो मैंने सोचा बहुत ही खतरनाक नजारा है। और हम आ रहे हैं ये वाले रास्ते से, मैंने इसको बोला कि गाड़ी टर्न, ओ शिट, जा रही थी मैं सनसेट का व्यू लेने और बीच में आ गए जंगल झाड़ी। मैंने इसको बोला गाड़ी टर्न करके ले ताकि मैं वो बादल देख ऐसे चक्री चक्री काटे हुए घूम रहे, जैसे कि बहुत तेज तूफान वगैरह आने वाला है। तू रुकेगा तो मैं फोटो लूंगी ना। आगे पूरा हाईवे खाली है, ये अभी एक्चुअली नया बन रहा है, आम्बेवली से टिटवाला कनेक्टेड है। नहीं था बस फोटो लेने। ओहो वाह, व्हाट अ हाफ चड्डी यहाँ से, वाह कितनी अच्छी फोटो आ रही है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सो अभी हमने फोटोज ले लिए और सनसेट के टाइम पे हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। देखो इतनी लाइन्स आ रही है उसमें, जैसे हम स्कूल में पेंटिंग किया करते थे ना, उस हिसाब से बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। यहाँ से बादल लेते हुए हम आ रहे हैं सनसेट की तरफ, और जो हमने लिया है 9x में, और फोटोज़ आप चेक करना इंस्टा पे जो है 15x जूम में, और ये बहुत ही बवाल लग रहा है भाई, बहुत ही बवाल। रुकना, ये देखो मुझे छोड़ के जा रहा है, मार दूंगी बाबू, मार दूंगी। देखो देखो भगा रहा है तू, वेट है वेट है जल्दी वेट है। चलो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो मेन ब्रिज बन रहा है, जो इस साइड से टिटवाला के रेलवे स्टेशन को लगा है। बहुत सुंदर देखो, क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोलते हो, क्या कर रहे हैं ब्रिज का।
ये है हमारा। सो हम इतने परफेक्ट टाइम पे आए हैं कि हमने थोड़ा सा वीडियो निकाला और सनसेट हो गया है। मोए मोए इतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो खाएगा, तेरे को मैं कुछ तो खिलाऊंगी। क्या खिलाऊंगी बाबू? ट्रिपल राइस। चल भाग इधर से। वाओ, एक सेकंड रुक मैं यहाँ पे। व्यू देख के तो दिल खुश हो गया। व्यू था। और अब चलते हैं खाने। और पानी पूरी में खाए थे मैं 10 रुपए में 6 पानीपुरी। अरे मैं खाऊंगी पानी पूरी में, तेरे को कुछ और खिलाऊंगी। नहीं, मेरे को राइस खाने का है। हाँ पक्का खिलाऊंगी, राइस खाएंगे। पहुंच गए हम अपने अड्डे पे। वो मोड़ यहाँ पे आप देख सकते हो पानी पूरी के लिए कितनी भीड़ लगी है। हाँ बाबू पानी पूरी खाएगा तू। इसके हाथ में कुछ चला गया। क्या गया? काली नागिन घुस गई है क्या? ओ गॉड, हैव्स दिख रहे तेरे, मोटे मोटे पेट दिख रहे थे। भैया की टोटल कितनी दुकान है बाबू? कितना पैसा है पानी पूरी में? पैसा ही पैसा हो गया। मस्त। तो तू भी डाल लेना पानी पूरी की दुकान। यहाँ पे अपना नंबर कब आएगा? 10 रुपए की पानी पूरी है। इस पर इस पापे इंसान हर कैसा गप्पा गप खाए जा रहा है। एक प्लेट खत्म करने के बाद ये उसका दूसरा राउंड चालू है और 3 प्लेट पार्सल भी ले रहा है घर पे खाने के लिए। ये मेरा है। बाबू हमें एक मिले मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन। चले 3 2 1 स्टार्ट। सोनिया डॉन के फोन का इंतजार तो 11 कॉलेज लड़कियां कर रही हैं, लेकिन डॉन का फोन आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि क्योंकि डॉन के फोन में बैलेंस ही नहीं है। थैंक यू। पेट पूजा करने के बाद ए, पेट पूजा नहीं किया नहीं की है पागल। वो तो गया है। चल खाली है ना राइस। बिल्ली बनाते कितना झूठ बोलता है। इसने राइस खा लिया है और मैंने पानी पूरी खा ली है। चलते हैं हम अभी घर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।